रविवार को अलवर शहर के स्टेशन रोड स्थित राजगुप्ता सभागार में स्वयं प्रभा सभा संस्था द्वारा नवीन कार्यकारिणी शपथ समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर नवीन कार्यकारिणी से जुड़े सदस्य मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम के दूसरे भाग में काव्य गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसकी जानकारी देते हुए कार्यकारिणी से जुड़े प्रवक्ता मोहित पंडित ने बताया कि स्वर्गीय राम अवतार पंडित द्वारा इस समिति का गठन किया गया था, लेकिन कोरोना काल के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने के चलते यह कार्यकारिणी पूर्ण रूप से अपने कार्य को अभी तक नहीं कर पा रही थी, जिसे देखते हुए नवीनतम कार्यकारिणी का आज गठन कर शपथ समारोह आयोजित किया गया है। कार्यकारिणी में अमृत सिंह यादव को अध्यक्ष, श्रीमती राजगुप्ता को महासचिव व उपाध्यक्ष पद पर गोकुल राम दिवाकर को चुना गया है। साथ ही समिति के संरक्षक अशोक आहूजा व गोविंद चंद शर्मा होंगे। आज स्वयं प्रभा सभा, जो कि एक सामाजिक और साहित्यिक संस्था है, इसकी नव निर्वाचित जो कार्यकारिणी है उसका शपथ ग्रहण समारोह है। यह संस्था स्वयं प्रभा सभा स्वर्गीय राम अवतार पंडित जी ने गठित की थी, लेकिन उसका कोई आयोजन होता उससे पहले ही कोरोना के कारण एक दुखांतिका के अंतर्गत उनका निधन हो गया, और उसके उपरांत आज यह संस्था पुनर्गठित हुई है और उनके बनाए हुए आदर्शों पर आज से यह संस्था चलने का अपना प्रण ले रही है। उसी की शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें अमरीक सिंह अदब साहब को पूरी संस्था ने अध्यक्ष चुना गया है। साथ ही श्रीमती राजगुप्ता इस संस्था की महासचिव बनने आज जा रही हैं। मैं मोहित पंडित इस संस्था में प्रवक्ता के रूप में आज पदासीन हो रहा हूँ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे गोकुल राम दिवाकर जी हैं, और हमारी इस पूरी संस्था के जो संरक्षक हैं पूरे अलवर शहर में, अलवर जिले में, उनको बड़े ही आदर्श और सम्मान के साथ जाना जाता है, श्री अशोक आहूजा जी, वो हमारी संस्था के संरक्षक हैं। गोपीचंद शर्मा जी हमारी संस्था के संरक्षक हैं, वो सभी मिलकर आज इस संस्था का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कर रहे हैं। इसके साथ ही दूसरे सत्र में आज ही के दिन एक काव्य गोष्ठी, काव्य प्रभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें शहर के चुनिंदा कवियों के द्वारा अपनी रचनाएं प्रस्तुत की जाएगी।